हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष ठाकुर और मैं आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वंडरिंग शीश में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, रावी नदी का एक प्यारा सा व्यू और कैमरा के बिल्कुल अपोजिट साइड है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा का डेवलपिंग कैंपस। तो आज हम आए हुए हैं सरोल आपको हमारे न्यू कैंपस के बारे में दिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा का नया कैंपस। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम शूट कर रहे हैं न्यू कैंपस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा। और मेरे साथ है आज मेरा दोस्त जो कि है मेरे साथ में बैच में, वी आर इन सेम बैच। लेट्स फाइंड हु इज ही। माय नेम इज निशांत ठाकुर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बैजनाथ का रहने वाला हूँ, बीड़ बिलिंग एक्चुअली, काफ़ी सुंदर जगह है। और आज हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं इनको एक बंदे ने कमेंट किया था कि मेरे को कंस्ट्रक्शन साइट दिखाओ, तो इसने बोला कि कंस्ट्रक्शन साइट क्या है। पर मैंने मैं गया हुआ था, तो मैंने बोला कि चल मैं लेके चला जाऊंगा तेरे को। तो एक हफ्ते से लगा रहा कि लेके जा लेके जा लेके जा। देखिए एक हफ्ते तक वेट कराया इस बंदे ने कितना पूरा एक हफ्ता। हाँ, मैं मान ही रहा था, तो चलो मैंने बोला कि आज ले ही चलते हैं, सैटरडे है। तो आज हम आ गए आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का न्यू कैंपस दिखाने। और देखिए इनको, हम किस काम के लिए आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। अरे निशांत भाई, कुछ तो बता दो कॉलेज के बारे में। कॉलेज भाई से कितने दिन में पहले हुआ यार, काफ़ी बड़ा कॉलेज है। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये हॉस्पिटल ब्लॉक है, ये एकदम सामने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ये एमरजेंसी ब्लॉक है। ठीक, अच्छा, ये जो आप सामने देख रहे हो वो एमरजेंसी बिल्डिंग है और जो पीछे है वो ओपीडी है और उसके पीछे वाली आईसीयू। सच्ची में शूट करते करते आज तो बड़ा थक चुके हैं और हमें लग गई थी प्यास। अब यहाँ पे दुकान पे गए, दुकान पे हमें पानी पीने के लिए मिला नहीं, तो हमको लेने पड़े स्लाइस की बॉटल्स। तो चलिए और थोड़ा बताते हैं आपको मेडिकल कॉलेज का जो न्यू कैंपस डेवलप हो रहा है। ये दो फेजेस में डेवलप होगा। पहली फेज़ में बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और साथ में नर्स हॉस्टल और अपना कॉलेज तैयार होगा। और सेकंड फेज़ में अपना, सेकंड फेज़ में क्या तैयार होता है? सेकंड फेज़ में ऑडिटोरियम वगैरह तैयार होंगे। ऑडिटोरियम और लैब्स वगैरह हो गए हैं, तैयार हो चुके हैं, लैब्स वगैरह तैयार हो चुके हैं। सेकंड स्टेज में ऑडिटोरियम और कुछ एक दो चीज़ें और हैं जिनके बारे में पता नहीं है, वो तैयार होंगी। ये आपके सामने जो विदाउट कलर बिल्डिंग है, ये कॉलेज के हॉस्पिटल की बिल्डिंग होने वाली है और ऑलमोस्ट 200 बेड्स का हॉस्पिटल होगा। इसी के साथ हमें शूट करते करते सनसेट भी हो गया है। देखिए इस प्यारा सनसेट का व्यू। दो बॉयज हॉस्टल के विंग, ये ए विंग है, ये बी विंग है। ये क्या सामने क्या है? सामने गर्ल्स हॉस्टल है। इस तरफ गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल पहले हमने देखा था, तो ये जरा भी नहीं बना हुआ था। ये क्या सामने क्या? सामने क्या? ये बड़ा सा बॉयज हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल। और हमें हो गए हैं पूरे 2 घंटे चंबा मेडिकल कॉलेज के नए कैंपस को घूमते घूमते। क्या बड़ा कैंपस है। और हमारे पास वीडियो क्लिप्स आई हैं बहुत कम, अब हम थक चुके हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे कुछ डाउनटाउन सरोल में, डाउनटाउन नाम करके एक जगह है। चलो अब वहाँ पे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे क्या मिलने वाला है। निशान भाई, क्या मंगवाया आपने खाने के लिए? 11 इंच का पिज़्ज़ा जिसमें 8 स्लाइस आएंगे। और पीने के लिए? पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक, कॉक अपना पुराना। देखिए हम यहाँ पे खाना खाने की वेट कर रहे हैं और इस
आदमी को फोटो खिंचाने की पड़ी हुई है। तो अभी हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, तो हम पिज़्ज़ा खाएंगे और वापस भाग जाएंगे अपने चंबा। चलो तो अब निशांत भाई से पूछते हैं, उनको चंबा के कंपैरिजन में सरोल कैसा लगा थोड़ा। सरोल यार काफ़ी खुला है। हाँ चंबा बड़ा कंजेस्टेड सा है ना। हाँ चंबा बहुत कंजेस्टेड सा है और दुकानें भी काफ़ी छोटी छोटी हैं, मतलब इतनी बड़ी नहीं है। जहाँ पर हम यहाँ देखे कितने बड़े बड़े घर हैं, कितने बड़े बड़े दुकानें हैं, कितने बड़े बड़े गार्डन हैं एक्चुअली। मतलब काफ़ी बड़ा है काफ़ी, और प्लेन प्लेन कांगड़ा और ऊना की वाइब देता है। बहुत प्लेन है, प्लेन से लगता है, प्लेन से लगता है। वॉक यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ वहाँ तो वॉक करने को लिए कुछ नहीं। ये बात आपने सही बोली। मतलब खाने देते हैं इनको भी, क्योंकि अभी हम भगना है वापस चंबा भी। हाँ चंबा भी भगना है। और हमारे आशीष भाई खुद सर्व करेंगे पिज़्ज़ा को। चलो आशीष भाई आ जाओ। 3 2 1 अरे शाबाश शाबाश, क्या बात है क्या बात है, तालियां तालियां। So, I am done with pizza. और हमारे भाई डन हो चुके हैं और चलते हैं। बिल कितना गया, बिल इनसे दिलवाएंगे, हम ले जाएंगे। आगे निकल चुके हैं। निशांत भाई बताएं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पिज़्ज़ा कैसा था? सच्ची बताना, झूठ नहीं बताना है। सो सो था, मतलब अच्छा ही था इतना। अरे चंबा के हिसाब से बढ़िया था। हाँ चंबा के हिसाब से अच्छा था। चंबा में भी एक दो रेस्टोरेंट तो अच्छे देते हैं, बाकी दुकान से देते हैं। और गाइस हमारे साथ हो चुका है बहुत बड़ा पोपट, क्योंकि वो बच चुके हैं 7 और हमें पता भी नहीं है चंबा में चंबा के लिए यहाँ से कौन सी बस जाएगी, और हमें जाना पड़ रहा है पैदल हो भी रात में। आए भी तो हम बड़े मजे से थे पैदल क्योंकि हमें पता नहीं था कितनी दूर है, और हम यहाँ पे आ चुके हैं और हमारी बच रही है बैंड, क्योंकि हो रही है रात और रास्ते में है अंधेरा और बस भी नहीं आ रही है। देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं चंबा। तो ऑलमोस्ट 20 मिनट पैदल चलने के बाद हमें बस मिल चुकी है। ना आते हुए मिली, ना जाते हुए मिली थी चंबा को, और अब मिल चुकी मिलेगी सडनली। हम पहुंच जाएंगे जल्दी चंबा के बस स्टैंड में। चंबा से भी ऊपर चलना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। तो हमें हम पहुंच गए हैं चंबा के बस स्टैंड में और यहाँ पे चली गई है लाइट, क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ पहुँच गए हम चंबा के चौगान के पास, यहीं पे होता है हमारा आज का दिन समाप्त, हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जब तक हमारी अगली वीडियो नहीं आती तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।